ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज हम शीतला माता पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, आपने शीतला माता की पूजा का जो महत्व होता है वो तो बता दिया हमें, लेकिन हम शीतला माता की जो कथा होती है वो सुनना चाहेंगे हम आपसे। सभी महिलाओं दर्शकों के जो है उनके लिए मैं ये कथा का आज पाठ कर रहा हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आगे आपको इस कथा को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसी विचार में बोलिए शीतला माता की जय। तो एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के दो बेटे थे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उन्हीं दिनों में शीतला सप्तमी का त्योहार आया। को घर में पर्व के अनुसार, जैसा आज से नहीं हजारों सालों से हो रहा है, ठंडा भोजन तैयार किया। लेकिन वो दोनों बहुएं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और अभी चूंकि हम बेटे को दूध पिला रही हैं तो हमारा दूध पी के वो बेटा भी बीमार हो जाएगा। तो इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटे, यानी रोटला बोलते थे उसको, रोटला तैयार कर लिया। सास बहुएं जो हैं वो शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, और जो दोनों बहुएं हैं वो बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर में आई, और वो जो बर्तन था उसमें से वो गरम गरम जो है वो रोटले निकाले, जो उसका चूरमा किया, पेट भर के उसको खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा, तो बहुओं ने क्या किया, ठंडा भोजन करने का दिखावा करके सास के साथ बैठ गई और उनके साथ में ठंडा भोजन भी कर लिया, और उसके बाद घर के काम में लग गई। सास बोली कि बेटा, बच्चे बहुत देर से सोए हुए हैं, तो उन्हें जगाकर भोजन करा दो, दूध वगैरह पिला दो उनको भी। तो बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई, तो माता रानी का चमत्कार देखिए आप, उन्होंने वो जो बच्चे हैं उनको मृत पाए माना, जैसे वो बच्चे मर गए। तो ऐसा बहुओं की करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के पुण्य प्रकोप से हुआ था। बहुएं रोने लग गई, विवश हो गई। सास ने पूरी घटना जानी तो नाराज हुई, बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसलिए इस घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही इस घर में पांव रखना। तो अपने अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया, खेजड़ी का वृक्ष था वो। उसके नीचे जो है वो और शीतला माता दोनों बैठ गई। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में बहुत सारी जुएं हो गई। बहुओं ने थकान का भी अनुभव किया। दोनों बहुएं जो है वो शीतला के पास में आके, औरी जो थी वो शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जो है वो जू निकाली। जुओं का नाश होते ही औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा ठंडा कर दिया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती फिरती। तो शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली अनजाने में ही गर्म खाना खा लिया था, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती हैं, आप हम दोनों को क्षमा करें। हे मैया, ऐसा दुष्कृत्य हम कभी दोबारा नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालिकाओं को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव वाले लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी।
तो चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। और शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि करी, वैसी कृपा जो है शीतला माता हम सब के ऊपर करे, हम सब परिवारजनों के ऊपर करे। बोली जय शीतला माता की। श्री शीतला माँ हमें सदा सदैव शांति प्रदान करे, शीतलता प्रदान करे और निरोगी काया प्रदान करे। शीतले त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत दाती, शीतलाय नमो नमः। आप सभी बोलिए एक बार शीतला माता की जय। पंडित शीतला माता की, हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें महत्वपूर्ण कथा बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से कुछ वास्तु टिप्स भी जान लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको, वैसे तो अब समय हो गया आपके घर के वास्तु के बारे में बात करने का, बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूं। ध्यान से सुनिएगा, तो क्या आपके घर में पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता है? तू तू मैं चिक चिक बनी रहती है, बेडरूम में घुसे नहीं कि कुछ ना कुछ ऐसी वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी कि आपस में लठ बजने लगते हैं। आपके बेडरूम का वास्तु दोष भी आपके संबंधों में दरार का एक मुख्य कारण बनता है, तलाक का मुख्य कारण बनता है। क्यों होते हैं तलाक? आपके बेडरूम में दोष है, आपके घर में दोष है। जी हाँ दोस्तों, आपके बेडरूम की जो नेगेटिविटी है वो आपके आपसी रिलेशंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो आपके वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए, आपके बेडरूम की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग में वास्तु दीपक की बहुत चमत्कारिक भूमिका है, तो आइए जानते हैं इस चमत्कारिक वास्तुदीप के प्रयोग को। करना क्या है, एक कांच या चीनी मिट्टी का लगभग 5-6 इंच व्यास का एक सुंदर कटोरा ले लेना है, लगभग इतना हथेली जितना चौड़ा हो, बड़ी कटोरी कांच की या चीनी मिट्टी की, उसमें आधे से अधिक कुछ पानी भर दीजिएगा। अब उसमें कांच का एक गिलास, ये कांच का बाउल, उसमें पानी भर दिया, कांच का गिलास उल्टा करके रख दिया, जो खुला मुंह है वो नीचे, बंद मुंह है जो ऊपर आ गया। इस प्रकार रख दें कि वो छोटे दीपक के लिए एक स्टैंड का काम करे। फिर उसमें जो कांच का गिलास का जो बॉटम ऊपर आ गया उसके ऊपर एक छोटा कटोरी नुमा कांच का दीपक ले लीजिए, या आजकल वैक्स के बने हुए दीपक मिलते हैं, मोमबत्ती भी, अपने सामर्थ्य अनुसार उसके ऊपर आप रख दीजिए। कंचे जो होते हैं या फिश एक्वेरियम में जो हम कलर्ड स्टोन डालते हैं, वो जो पानी है उसमें गिलास के चारों तरफ डाल दीजिए, कंचे डाल दीजिए। रंगीन पत्थर जो है एक्वेरियम वाले वो भी उसमें डाल सकते हैं। गुलाब के पुष्प की कुछ पत्तियां भी अंत में उसमें डाल दीजिए। सूर्यास्त के बाद उस दीपक को, आपका जो बेडरूम है उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहां पे उसको रख के उसको जला दीजिए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, आग्नेय कोण जिसको बोलते हैं उसमें प्रज्वलित कर दीजिए। यदि इस क्षेत्र में रखने में कुछ असुविधा लग रही हो तो वैकल्पिक स्थान के रूप में आप इसे दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं। 4-5 घंटे वो दीपक जलेगा, आप उसको जलने दीजिए। सुबह जब आप हस्बैंड वाइफ सो के उठेंगे, आप लोगों का जो माइंड स्टेट होगा वो बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिविटी जो मन में है वो खत्म हो चुकी होगी। घर परिवार से, हमारे वैवाहिक जीवन से न केवल नेगेटिविटी दूर होती बल्कि एक पॉजिटिव एनवायरमेंट हमारे घर में बना रहता है, जो हमारे शांतिपूर्ण सुखी और समृद्ध जीवन में मददगार साबित होता है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद जलाए जाने वाले इस दीपक को आप सोने के पूर्व बंद भी कर दें, और वो जो पानी जो है उसको वहीं रखे रखने दीजिए। अगले दिन सुबह उस पानी को अपने बेडरूम के चारों कोनों में, अपने घर में, पूरे घर में छिड़क दीजिए, तो घर की जितनी नेगेटिविटी खत्म होगी, वास्तु दोष जो है वो खत्म होगा। ये आप किसी भी बच्ची की शादी नहीं हो रही उसके कमरे में प्रयोग कीजिए, बच्चे पढ़ते नहीं उनके कमरे में प्रयोग कीजिए। आप इस प्रयोग को करके देखिएगा और इसका परिणाम मुझे बताइएगा फोन करके, क्योंकि इस प्रयोग में कुछ खर्चा नहीं है पर आपके लाखों समस्याओं का समाधान इस छोटे से प्रयोग में छुपा हुआ है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और शीतला माता से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे सारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप भी हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।